से जा रहे हैं, इसका पिक्चर उन्होंने, उसके बाद इसका रिव्यू आपके पास आएगा, फिर देखिएगा कि ये कितने किलोमीटर चलती है, बेहतर है कि ना नहीं। ताकि वो जो इधर हमारी शॉप है या हमारी वर्कशॉप है ई बाइक वाले की, वहाँ तक वो 2 बजे ओपन होगी, हम पहले आ गए तो ये उन तक हैंडओवर कर देंगे। ये है अब्दुस्सलाम भाई, मेरे गांव के हैं, इनके साथ हमारी दोस्ती नहीं नहीं शुरू हुई है, अल्लाह करेगा ता याद चलती है। ठीक है, आज गाड़ी में थोड़ा सा इशू आया है जिसमें इसकी ये वाली लाइट्स जली हैं और इसके साथ ये वाली लाइट ट्रांजैक्शंस वाली, ये लाइट्स ऑन हो गई हैं। इसमें प्रॉब्लम में परेशान होने वाला नहीं होता, सफ़र में भी हो तो कोई मसला नहीं आता, बस ये होता है कि आपने ड्राइव जो करनी है वो बहुत कम और बहुत मोहतात होकर आपने चलाना, यानी कि ओवर स्पीड नहीं करनी और नज़दीकी किसी भी जो आपका वो है वर्कशॉप वहाँ तक ले जाएं और इसका काम करा लें। ABS में इशू आया हुआ है, ABS चल भी पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा यही कुछ इसके ऊपर इशू आएगा, इससे ज़्यादा कोई इशू आता नहीं है। शुक्रिया। बाइक की एवरेज है 27.4 किलोमीटर की फ्यूल कंजम्पशन है, जो अभी तक कभी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे कुछ इश्यूज आए थे गाड़ी में चलते हुए, अब इसकी देखते हैं कि इसका इंजन और हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। जी देखते हैं, जिसमें 675 और 27.4 की कंजम्पशन आई है जी इसकी, डिस्टेंस 54 किलोमीटर है और ये बहुत आला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मेरे वालदैन की मगफरत के लिए दुआ फरमाएं और मेरे लिए भी, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसका रिव्यू करना है लेकिन बाय चांस ही इसका जो टायर था वो मेरा पंचर हो गया, अब उसको पेट्रोल पंप से लगवाएंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। अब मैं जाने लगा हूँ जी अपनी शॉप पे और वहाँ की वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करता, वो मेरी किसी और जगह पे होती हैं,
और ये मेरा सफ़र है और बहुत सीधा सीधा सा है। थोड़ी सी वॉक करता हुआ मैं जाता हूँ इन घरों में से और आ जाता है मज़े मज़े में। आगे स्कूल आ जाता है, ग्राउंड भी आ जाता है, व्यू भी अच्छा होता है। ये देखें, यूँ लगता है जैसे यूरोप का शहर है मेरा।